हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। आ गया हूँ आप लोगों के लिए और एक जबरदस्त वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेसेस। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो दोस्तों, फेसबुक एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और फेसबुक पे अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका बिजनेस का एक फेसबुक पेज होना भी बहुत ही ज़रूरी है। सो दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सा फेसबुक पेज बना पाएंगे। सो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और एक बात दोस्तों, अगर आप अपने लिए एक फेसबुक पेज बनाना चाहते हैं तो दोस्तों, इससे पहले आपके पास एक फेसबुक प्रोफाइल होना बहुत ही ज़रूरी है। सो दोस्तों, अगर आपके पास फेसबुक प्रोफाइल नहीं है तो दोस्तों, पहले आप एक फेसबुक प्रोफाइल बना लीजिए। सो दोस्तों, यहाँ पे पहले आपको एक डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो दोस्तों, आप मोबाइल के ब्राउज़र पे जाके डेस्कटॉप मोड ऑन कर लीजिए। अपने ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप अपने ब्राउज़र पे अपने फेसबुक प्रोफाइल को लॉगिन कर लीजिए। फेसबुक प्रोफाइल पे लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर यहाँ पे एक प्लस का सिंबल दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक लिस्ट मिलेगा आपको, यहाँ पे पेज का एक ऑप्शन भी आपको मिल रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएटर पेज के लिए यहाँ पे हमें पेज इन्फॉर्मेशन कुछ देना है। सो दोस्तों, पहले हमें यहाँ पे अपना पेज का नाम देना है। सो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो स्टोर का नाम है वही यहाँ पे पेज का नाम दे सकते हैं। सो यहाँ पे हम मान के चलते हैं हमारा एक स्टोर है जिसका नाम है अपना स्टोर। सो दोस्तों, यहाँ पे पेज नेम के जगह पे हम अपना स्टोर का नाम देंगे। स्टोर का नाम देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कैटेगरी सिलेक्ट करना है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ग्रोसरी का स्टोर है। सो यहाँ पे हम ग्रोसरी लिखेंगे। आपका स्टोर जिस भी कैटेगरी में आता है आप उस कैटेगरी को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम होलसेल ग्रोसर चूज कर लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आप मल्टीपल कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे आप फर्स्ट जिस कैटेगरी को चूज़ करेंगे वही आपके पेज के नाम के नीचे शो होगा। सो दोस्तों, कैटेगरी देने के बाद यहाँ पे आप अपने पेज का कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे क्रिएट पेज पे क्लिक करना है। क्रिएट पेज पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो इंटरफेस था वो कुछ चेंज होगा। और चेंज होने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस और मिलेंगे। यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल इमेज सेट करना है और नीचे के प्रोफाइल का कवर इमेज सेट करना है। इसको हम बाद में देखेंगे, इसलिए सेव पे क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, सेव पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कनेक्ट योर फेसबुक पेज टू व्हाट्सएप। अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर अपने फेसबुक पेज पे शो करना चाहते हैं तो दोस्तों, यहाँ पे आप इसको दे सकते हैं। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो दोस्तों, इसको आप सिंपली क्रॉस कर दीजिए। सो दोस्तों, यहाँ पे हमने अपने खुद के बिजनेस के लिए एक फेसबुक पेज सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे फेसबुक पेज क्रिएट करने के बाद आपको अपने फेसबुक पेज में कुछ प्रोफाइल फोटो, कवर फोटो और कुछ पोस्ट भी करने हैं। और दोस्तों, फेसबुक पेज के कुछ सेटिंग्स भी चेंज करने हैं। चलिए देखते हैं। सो दोस्तों, पहला जो काम यहाँ पे हमें करना है वो है अपने बिजनेस का एक प्रोफाइल फोटो यहाँ पे अपलोड करना। सो दोस्तों, यहाँ पे प्रोफाइल फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे अपने प्रोफाइल के नीचे एक कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पिक्चर पर आपको क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आपके पास अपडेट योर प्रोफाइल पिक्चर का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको अपलोड फोटो का एक ऑप्शन भी मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके डिवाइस में जहाँ पे भी आपका स्टोर का लोगो या फिर कोई भी फोटो है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सो दोस्तों, यहाँ पे हमने अपने स्टोर के लिए एक लोगो सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ पे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं और यहाँ पे अपने फोटो के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमने अपने स्टोर के लिए एक प्रोफाइल फोटो सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। अब आते हैं कवर इमेज पे। और एक बार दोस्तों, आपका जो प्रोफाइल फोटो होगा वो मैक्सिमम 170 पिक्सल बाई 170 पिक्सल का होना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ा प्रोफाइल फोटो होगा तो दोस्तों, फेसबुक पे यहाँ पे आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो स्टेप आता है वो है कवर फोटो अपलोड। कवर फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे एडिट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस एडिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करना है। अपलोड फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने डिवाइस में से जो भी फोटो अपने फेसबुक पेज के कवर फोटो में लगाना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। इसको आप ड्रैग करके अपने पोजीशन पे भी ला सकते हैं। और एक बार दोस्तों, यहाँ पे कवर फोटो में भी जो रिकमेंडेड साइज है वो है 1640 पिक्सल बाई 856 पिक्सल का। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आपके प्रोफाइल का कवर फोटो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे अपने स्टोर के लिए एक यूनिक सा यूजर नेम भी सिलेक्ट करना है।
सो दोस्तों यहाँ पे अपने फेसबुक पेज के यूजर नेम के लिए आपको अपने स्टोर के नेम के नीचे यहाँ पे क्रिएट यूजर नेम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने स्टोर का जो भी नाम है वो पहले आप दे सकते हैं, जैसे कि हमारा स्टोर का नाम है अपना स्टोर, इसलिए हम अपने स्टोर के नाम को ही यहाँ पे यूजर नेम पे भी देंगे। नाम टाइप करने के बाद आप यहाँ पे बाहर पे क्लिक कीजिए। बाहर पे क्लिक करने के बाद अगर आपके पास यहाँ पे इस तरह का एरर आता है, इसका मतलब ये नाम पहले से किसी ने लेके रखा है। सो दोस्तों इस सिचुएशन में आप अपने स्टोर के नाम से अपने एरिया का नाम, अपना खुद का नाम या फिर कोई भी यूनिक सा नेम यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम देंगे अपना स्टोर डॉट इन, इसके बाद हम यहाँ पे बाहर फिर से क्लिक करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का राइट सिंबल आ चुका है, इसका मतलब ये यूजर नेम किसी ने पहले से लेके नहीं रखा है, इसको हम ले सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन सिंबल आने के बाद यहाँ पे क्रिएट यूजर नेम पे आप क्लिक कर दीजिए। और एक बात दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों नीचे दिए हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर से दबा दीजिए और उसके बाद बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल ऑप्शन को भी दबा दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे। यूजर नेम क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वह अपने पेज के लिए एक कॉल टू एक्शन का बटन ऐड करना। इस बटन के जरिए आपका कस्टमर आपके फेसबुक पेज के साथ एंगेज रह सकता है। सो दोस्तों यहाँ पे पहले हमें ऐड ए बटन पे क्लिक करना है। ऐड ए बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत लंबा एक लिस्ट आ जाएगा, यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट फॉलो पे भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं। कॉल नाउ का ऑप्शन, सेंड मैसेज का ऑप्शन, सेंड ईमेल का ऑप्शन, साइन अप या फिर किसी भी ऐप को यूज करना हो तो यूज ऐप का ऑप्शन, प्ले गेम, वॉच वीडियो, शॉप नाउ, इस तरह के बहुत से बटन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ठीक लगे वो बटन आप अपने फेसबुक पेज पे ऐड कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हम नॉर्मली फॉलो पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हमने बटन ऐड कर दिया है, अब चलिए देखते हैं फेसबुक पेज में हमें और क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे बटन के नीचे ही एक सर्च आइकॉन आपको देखने को मिलेगा, इस सर्च आइकॉन से आप या फिर आपका कस्टमर जो भी आपके फेसबुक पेज पे आएगा वो आपके फेसबुक पेज में जितने भी पोस्ट होंगे उनमें से किसी पर्टिकुलर पोस्ट को ढूंढने के लिए यहाँ पे सर्च कर सकता है। इसके बाद सर्च आइकॉन के पास में ही आपको यहाँ पे ट्रिपल डॉट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि लाइक, फॉलो, शेयर, क्रिएट पेज, लाइक एज योर पेज, इनवाइट फ्रेंड्स। यहाँ पे आप अपने पेज, खुद के पेज को फॉलो कर सकते हैं, आप अपने पेज को अपने रिलेटिव से, अपने कस्टमर से या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और एक दोस्तों यहाँ पे है इनवाइट फ्रेंड्स का, आपके फेसबुक प्रोफाइल में जितने भी आपका फ्रेंड्स होंगे उनको आप अपने फेसबुक पेज में इनवाइट कर सकते हैं इसके जरिए। तो इसके लिए आपको इनवाइट फ्रेंड्स पे क्लिक करना है। इनवाइट फ्रेंड्स पे क्लिक करने के बाद आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे उन सब का नाम यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ पे वन बाय वन सिलेक्ट करके आप इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एक दिन में 200 से ज़्यादा फ्रेंड्स को इनविटेशन मत भेजिएगा, वरना ये जो इनविटेशन सेंड करने का जो प्रोसेस है ये आपका ब्लॉक हो सकता है। इसके बाद इस थ्री डॉट्स के पास में आपका लोगो भी दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, आपका फेसबुक पेज का जो ऑप्शन है वो मिलेगा और आपका जो प्रोफाइल है, जिस प्रोफाइल से आप फेसबुक पेज क्रिएट कर रहे हैं उस प्रोफाइल का ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर दोस्तों आपको एज ए विजिटर अपने पेज को देखना है तो दोस्तों आप यहाँ पे अपने प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। सो दोस्तों इस तरीके से आप देख पाएंगे आपके कस्टमर्स को आपका फेसबुक पेज कैसा दिखेगा। और दोस्तों अगर आपको फिर से अपने फेसबुक पेज को एडिट करना है तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने फेसबुक पेज को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं क्रिएट पोस्ट पे, यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे क्रिएट पोस्ट का एक बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने पेज पे कोई भी फोटो, वीडियो या फिर कुछ भी मैसेज आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे जब भी आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको डायरेक्ट अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप अपने फ्रेंड्स को डायरेक्ट इनविटेशन सेंड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे अगर हम और उतरे इनसाइड का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं आपके फेसबुक पेज के जो पोस्ट्स हैं वो कितने लोगों तक पहुँचे हैं, आपका पोस्ट का एंगेजमेंट कैसा है, पेज लाइक्स कितने हैं, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हुए हमें यहाँ पे मिलता है अबाउट का एक सेक्शन, इसको हमें बहुत ही अच्छे से सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए यहाँ पे नीचे एडिट पेज इन्फो पे आप क्लिक कीजिए। एडिट पेज इन्फो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सो दोस्तों यहाँ पे आपको एडिट पेज इन्फो का कंप्लीट एक बॉक्स ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आप अपने पेज का कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप अपना फेसबुक पेज का नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप अपने यूजर नेम चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप अपने डिस्क्रिप्शन को चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कैटेगरी भी आप यहाँ से ऐड या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है कॉन्टैक्ट का ऑप्शन, अगर आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर देना चाहते हैं या फिर ईमेल आईडी या फिर वेबसाइट का एड्रेस देना चाहते हैं तो दोस्तों वो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आता है लोकेशन, आप यहाँ पर अपने स्टोर का लोकेशन
सेट कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका दुकान कितने बजे से कितने बजे तक ओपन रहता है इसका इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। मोर पे अगर हम क्लिक करें तो दोस्तों यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, प्रोडक्ट्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्राइस रेंज, ये सब आप दे सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको अदर्स अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके बिजनेस का कोई भी और भी अकाउंट है जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, ट्विच, व्हाट्सएप, WeChat, LinkedIn, इस तरीके अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके बिजनेस का है तो दोस्तों उनके यूजर नेम को आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप कोई भी फेसबुक पेज क्रिएट कर रहे हैं तो दोस्तों ये कुछ सेटिंग्स थे जो आपको पहले ही कर लेने हैं। इसके बाद भी और भी बहुत सारे सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं होम, ग्रुप्स, इवेंट्स, रिव्यूज और मोर का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आप इन टैब्स के ऑप्शन को चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको मोर के ऑप्शन के नीचे एडिट टैब्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे करंट टेम्पलेट के पास में एडिट का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास टेम्पलेट्स का एक लिस्ट खुल के आएगा, यहाँ पे से आप अपनी मर्जी से कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। और भी दोस्तों बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि जनरल, एडवांस मैसेजिंग, पीपल एंड अदर पेजेस, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप फीचर, पेज सपोर्ट इनबॉक्स। अगर आप चाहते हैं मैं इन सभी टॉपिक्स को कवर करूँ तो दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। इस तरीके से आप अपने किसी भी बिजनेस के लिए एक फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।